हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यार, आज हम बात करेंगे कार्बनाइजेशन ऑफ कोल की। कार्बनाइजेशन का क्या मतलब है और कोल से कोक हम कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू कोक एंड कोल गैस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। जब हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, कोक मिलता है एंड कोल गैस मिलती है। तो यार, ये जो कोक, जो ये जो प्रोसेस है कोल से कोक बनाने का, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो यार कोल है वो किस किस के बेसिस पे क्लासिफाई है, एक बार उसे देख लेते हैं फटाफट से। एक है केकिंग कोल एंड एक होता है कोकिंग कोल। तो सबसे पहले केकिंग कोल एंड नॉन केकिंग कोल के बारे में बात कर लेते हैं। केकिंग कोल होता है जब जो आपका कोल है वो क्या बन जाए, वो बन जाए भाई सॉफ्ट प्लास्टिक एंड वो फ्यूज कर जाए एक बड़ा कोहेरेंट मास बनाने के लिए। एक बड़ा कोहेरेंट मास बना दिया, उसको केकिंग कोल बोल दिया। नॉन केकिंग कोल, दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड कोहेरेंट मास ड्यूरिंग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो अच्छा गुड कोहेरेंट मास नहीं बनाएगा उसे नॉन केकिंग कोल बोल दिया। तो केकिंग कोल क्या है, जो बड़ा कोहेरेंट मास बना दे और ये जो ना बना पाए, नॉन केकिंग कोल। क्लियर। अब आता है कोकिंग कोल। कोकिंग कोल क्या करता है, देखो कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल द कोल विच गिव्स पोरस हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग रेसिड्यू आफ्टर हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कोकिंग कोल। ठीक है, पोरस हार्ड और स्ट्रॉन्ग रेसिड्यू फॉर्म कर दे, उसे क्या बोला, कोकिंग कोल। एंड नॉन केकिंग कोकिंग कोल किसको बोला, जो कोक अंडरगो प्रैक्टिकली नो फ्यूजन इफेक्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्री बर्निंग कोल्स। तो इसको बोला नॉन कोकिंग कोल। ठीक है, तो यार अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन की, कि कार्बनाइजेशन कैसे होता है, कोल से कोक कैसे बनता है। मान लो कि जो कोल हम यूज कर रहे हैं वो बेस्ट कोल कौन सा होता है कि कोक अच्छा बने, दैट इज ब्यूटेमिनस कोल। ठीक है, तो अब कोक कैसे बनता है वो देख लेते हैं। जब ब्यूटेमिनस कोल को हम 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो हमारे पास जो कोल के अंदर मॉइस्चर गैसेस और लोअर एलिफेंट्स पड़े होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जब 230 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो टारली वेपर्स की एवोल्यूशन हो जाएगी। जब 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो जो हाइड्रोकार्बन गैसेस होंगी वो निकल जाएंगी और जो कोल होगा वो सॉफ्ट और प्लास्टिक लाइक हो जाएगा। फोर्थ, जब 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी। 800 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कोक फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बनाइजेशन। टाइप्स ऑफ कार्बनाइजेशन इज नथिंग बट लोअर टेम्परेचर कार्बनाइजेशन एंड हाइयर टेम्परेचर कार्बनाइजेशन। तो यार देख लेते हैं आप लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन एंड हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल, कैरेक्टरिस्टिक्स इधर लिखी हैं, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर। इतना हीटिंग टेम्परेचर LTC का रहता है, इतना हीटिंग टेम्परेचर HTC का रहता है। यील्ड ऑफ कोक, देखो जो यील्ड होती है ना वो आती तो ज्यादा किसकी है, लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन की, लेकिन हमारे लिए अच्छा कौन सा होता है, हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन। क्यों होता है, इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है 2 या 3 नंबर में और बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, तो मैं बता दूंगा इसका रीजन अभी। वोलेटाइल मैटर 5 to 15, 1 to 3%। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अब यील्ड ऑफ कोक जो होगी वो इसकी तो ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, लेकिन जो इसकी कम होगी उसकी कोक की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी भाई, गुड होगी। समझ में आ गई मेरी बात, इसकी क्या होगी, पुअर होगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो यील्ड ऑफ कोक है वो लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन की ज्यादा है और हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन की कम है, लेकिन स्टिल हम हाई कार्बनाइजेशन हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन को प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ बाय प्रोडक्ट, कैलोरीफिक वैल्यू, कोक प्रोड्यूस्ड, स्मोकीनेस, एरोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रेट चेन कार्बन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक बार रीड मार लेनी है, बाकी जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यार कार्बनाइजेशन में इतना ही है, और वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोज के लिए। थैंक यू।